खबर रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस पर आरोपी को पकड़कर छोड़ने के आरोप लगे हैं। गढ़ थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीड़ित की माने तो उसके खेत की चौहदी में लगे सैकड़ों खंभों को गांव के ही आरोपियों ने तोड़ दिया था, जिसकी शिकायत शिवेंद्र मणि शुक्ला ने गढ़ थाने में दर्ज कराई थी। पीड़ित द्वारा चार आरोपियों को नामजद किया गया था। पीड़ित की माने तो गत दिवस एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते उसे छोड़ दिया है। बताया जाता है कि किसान का लाखों का नुकसान करने वाला खुलेआम घूम रहा है। वहीं पुलिस ने एक को पकड़ा भी तो राजनीतिक दबाव के चलते छोड़ दिया, जिससे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पीड़ित किसान ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। आइए सुनाते हैं पीड़ित किसान ने क्या कहा है। साथियों, मैं ग्राम पंचायत कन्नड़ी खुद का निवासी हूँ, चौकी लाल गाँव थानागढ़ है। मैं अपनी खेत की सुरक्षा के लिए तार फिनिशिंग पत्थर की पट्टिया गाड़ कर किया था, जिसमें आरोपी जो आदतन अपराधी हैं, कई बार ये वारदात कर चुके हैं शराब के नशे में। मोतीलाल यादव पिता अयोध्या प्रसाद, मन्नूलाल यादव पिता लल्लू यादव, राजकुमार सोंधिया पिता छोटेलाल, दशरथ सोंधिया, दशरथ यादव पिता बिजराज यादव, ये आए दिन शराब के नशे में ये वारदातें करते रहे। कल मेरी पूरी बाउंड्री तोड़ दी गई। पुलिस ने कल मोतीलाल यादव को पकड़ा था, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण उसे छोड़ दिया गया। यदि पुलिस के द्वारा उससे सख्ती से पूछताछ की जाती तो कई चोरियों का खुलासा हो सकता था, लेकिन पुलिस द्वारा उसे राजनीतिक दबाव में छोड़ दिया गया।